चलो ठीक है, आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस ठीक है, दे एक बार मैं चेक कर लेता हूँ मीटिंग में कितने लोग हैं अभी। हम लोग अभी 8 लोग हैं, मेरे को लेना है। ठीक है चलेगा। तो बेसिकली अगर आपको याद होगा तो हम लोग ने लास्ट टाइम एक चीज रह गई थी हमारी, वो थी पांडास प्रोफाइलिंग, है ना? मैंने कहीं लिखा है, हाँ यहाँ पे लिखा है मैंने, पांडास प्रोफाइलिंग, ये चीज रह गई थी। तो पहले इसको कवर कर लेते हैं। इसको कवर करने के बाद फीचर इंजीनियरिंग का थोड़ा बेसिक्स थियोरी भी नहीं, आपको समझाऊंगा मैं कि होता क्या है, क्या टेक्निक्स होते हैं, उसके बाद कोड अगर टाइम मिला तो करते हैं। ठीक है, तो मैं फटाफट पांडास प्रोफाइलिंग के लिए अपना नोटबुक लॉन्च कर देता हूँ। ठीक है, अपना पाइथन बेसिक्स 1 चल रहा है। खैर अब ये बेसिक तो नहीं रहा, पर इसी नोटबुक में हम लोग सब करेंगे तो बाद में आपको रेफर करने के लिए इजी होगा। ठीक है, हम लोग आ जाते हैं पांडास प्रोफाइलिंग पे। थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब देखो, हमने उस दिन ईडीए के बेसिक्स देखे थे। बेसिक मतलब ओवरऑल वही होता है, बट आपके ऊपर आप कितना उसको प्रैक्टिस करके कितना ज्यादा यूज कर पाते हो। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, जो बेसिक चीजें हैं जैसे कितने काउंट हैं, उसमें से मिसिंग कितना है, डेटा जो आपके पास डेटा है उसके कॉलम से डेटा टाइप्स क्या है, तो ये सारी जो बेसिक चीजें हैं ना वो हमें ऑटोमेट भी कर सकते हैं। मतलब पांडास की एक लाइब्रेरी है जो बहुत ही बेसिक बेसिक विजुअलाइजेशन आपको अपने आप जनरेट करके दे देगा। उसका नाम है पांडास प्रोफाइलिंग। ठीक है, उसका नाम है पांडास प्रोफाइलिंग। पहले पांडास को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, और हमने जो डेटा लिया था डीएस, और वो भी मैं ले लेता हूँ। मुझे सर्वाइव डेटा चाहिए होता, टाइटैनिक का डेटा चाहिए। काम लिया था ये डीएस लिख तो रहा है आप। ठीक है, तो मैंने डेटा ले लिया, डीएफ आ गया मेरे पास। तो अगर मैं डीएफ डॉट ऐड करूँ तो हमें पता है कि हमें क्या डेटा मिलने वाला है। ठीक है, पैसेंजर आईडी, सर्वाइव हुआ यानी कौन से क्लास में है, उसका नाम, जेंडर, एज, सिबलिंग, स्पाउस, पेरेंट्स एंड टिकट फेयर केबिन और एम्बा। ठीक है, तो ये कॉलम से हम ऑलरेडी अब फैमिलियर हो चुके हैं, क्योंकि डेटा पे हमने काफी काम कर लिया है। मैं क्या करता हूँ, फिर इंस्टॉल, ठीक है, आप भी कर सकते हो अगर आप मेरे साथ हो, या बाद में रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। पिप इंस्टॉल पांडास प्रोफाइल। ठीक है, अब मैंने ये एक्सक्लेमेटरी मार्क इसलिए लगाया क्योंकि मैं जुपिटर नोटबुक के अंदर पिप इंस्टॉल कर रहा हूँ। अगर आप इसको टर्मिनल में करोगे तो आपको ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो जरा इसको इंस्टॉल करते हैं। काफी टाइम ले रहा है। ठीक करके रखना चाहिए था, ये किया होगा मैंने, पर देखते कितना टाइम ले रहा है। हाँ हो गया। तो जरा सा जूम कर लेते हैं। ओके, अगर आप देखो अभी तो कलेक्टिंग पांडास प्रोफाइलिंग, ठीक है, फिर कलेक्टिंग और भी जो भी इसको चाहिए होगा उसने कलेक्ट किया। और यहाँ पे आखिर में अगर नीचे नीचे आ जाओ तो लास्ट में इसने क्या बोला, सक्सेसफुली सक्सेसफुली बिल्ट
HTML में इंस्टॉल कलेक्टेड पैकेजेस नाम फाइल उसने इंस्टॉल किया है और क्या क्या, हाँ पांडास प्रोफाइल, ठीक है। तो पांडास प्रोफाइल इंस्टॉल हो गया, पेज इंस्टॉल करना है, आपको सिर्फ 3 लाइन लिखना है। वो 3 लाइन से आपका बहुत सारा जो बेसिक ईडीए है वो ऑटोमेट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो फ्रॉम पांडास प्रोफाइल, ठीक है, इम्पोर्ट, आपको इम्पोर्ट क्या करना है, प्रोफाइल रिपोर्ट, प्रोफाइल रिपोर्ट। प्रोफाइल रिपोर्ट एक्चुअली एक ऐसी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी इन द सेंस एक ऐसा मॉड्यूल है पांडास प्रोफाइल का जो आपको पूरा एक रिपोर्ट बना के देगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, उस प्रोफाइल रिपोर्ट आपको किसका रिपोर्ट बनाना है वो बताना है, ठीक है। तो मुझे मेरे डेटा फ्रेम डीएफ का रिपोर्ट बनाना है और वो रिपोर्ट को मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा, ठीक है, एक वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा। और मुझे क्या करना होगा, मुझे उसको एक एचटीएमएल फाइल में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, मुझे उसको एक एचटीएमएल फाइल में कन्वर्ट करना होगा ताकि मैं उसका फ्रंट एंड के टाइप एक ऐसा देख सकूं। तो मैं उसको करूंगा आउटपुट फाइल, आउटपुट फाइल इक्वल टू, आप कोई भी नाम दे दो, मैं बोल देता हूँ आउटपुट डॉट एच टी एम एल, बस ये 3 महीने लिखना होता है। नो मॉड्यूल नेम पांडास प्रोफाइलिंग, स्पेलिंग रॉन्ग लिख दिया क्या मैंने, पांडास प्रोफाइलिंग स्पेलिंग रॉन्ग है कुछ तो, नो मॉड्यूल नेम पांडास प्रोफाइलिंग, तो क्या है यहाँ पे देख लेते हैं पांडास प्रोफाइलिंग। पांडास प्रोफाइलिंग पेप इंस्टॉल पांडास प्रोफाइलिंग, तो ये तो सही लिखा मैंने, आउटपुट कुछ एरर, पेप इंस्टॉल डॉक्यूमेंटेशन को देखते ऐसा एरर आना तो नहीं चाहिए। प्रोफाइलर्स ठीक है, वाई, अच्छा फ्रॉम वाई डेटा प्रोफाइलिंग, मेरे को लगता है थोड़ा अपडेट हो गया शायद, अपडेट देखते हैं देखते देखते, इसके लिए ना आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते रहना चाहिए। वाई डेटा नहीं हुआ क्या, वाई डेटा प्रोफाइलिंग कंट्रोल सी, इसको इंस्टॉल करके देखते हैं, इंस्टॉल तो ये सब एरर आता है, आपको इससे डील करना ही पड़ेगा क्योंकि कुछ लाइब्रेरीज अपडेट हो जाते हैं टाइम के साथ, तो उनका थोड़ा चेंज आ जाता है। प्रोफाइल रिपोर्ट, तो प्रोफाइल रिपोर्ट और बाय डेटा प्रोफाइलिंग में आता है, ओके बाय डेटा प्रोफाइलिंग में आता है, देखते हैं ये हो रहा है कि थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ ये तो हो गया, लास्ट में देखते हैं क्या आया, टर्मिनल पे ही जाना चाहिए, टर्मिनल पे जाके देखता हूँ, फिर इंस्टॉल पांडास, पांडास प्रोफाइलिंग करते पहले जो अपना पुराना, ठीक है यहाँ पे तो सही लग रहा है, इसको रीस्टार्ट करें, आश it is not identifying under the file, I'm not sure why it should work,
वो बोल रहे कि ये वाला वर्जन इंस्टॉल करो। ऑलरेडी मैंने इसे के कोड करके रखा था ना, वहां रन करो। ठीक है, पहले ये काम कर रहा था, आई थिंक सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, बट मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। आउटपुट तो पहले से है, तो कुछ सालों पहले मैंने ट्राई किया था, तभी ये काम कर रहा था। मुझे वापस देखना पड़ेगा, एक्चुअली इनका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना पड़ेगा, कुछ तो चेंज किया है, क्योंकि पहले वो कोड काम कर रहा था और अब वो नहीं काम कर रहा। ठीक है, तो ठीक है, ये हम देख लेते हैं वो आउटपुट क्या देता है, फिर मैं आपको शाम को चाहिए तो एक PY फाइल में अलग से प्रोफाइलिंग का कोड भेज सकता हूँ। आपको ये दिख रहा है स्क्रीन आउटपुट ऑफ HTML पांडास प्रोफाइलिंग रिपोर्ट? यस, ओके। देखो इसमें आपको अलग अलग टैब्स मिल जाएंगे, ओवरव्यू, वेरिएबल्स, इंटरेक्शंस, कोरिलेशन, लिस्टिंग, फाइल एंड सैंपल। ओवरव्यू क्या बोलता है, बेसिकली डेटा का स्टैटिस्टिक बता रहा है, नंबर ऑफ फीचर्स कितने हैं, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, उसमें से मिसिंग कितने हैं, 8.1% डेटा मिसिंग है, डुप्लीकेट कितने हैं। तो जो आप बेसिकली अलग अलग करते थे डॉट इसमें डॉट सम, उसको इसने एक लाइन में बता दिया, टोटल साइज इन मेमोरी इतना KB लग रहा है और एवरेज रिकॉर्ड साइज बता दिया आपने। उसमें भी 5 न्यूमेरिकल है, 7 कैटेगोरिकल है। अब कुछ अलर्ट्स भी दिए उसने, अलर्ट्स मतलब हैज हाई कार्डिनैलिटी, 891 डिस्टिंक्ट वैल्यूज। कार्डिनैलिटी मतलब बहुत ज्यादा, मतलब हर सब ऑब्वियसली सबका नाम अलग है ना, तो कार्डिनैलिटी मतलब आपका जो कैटेगरी है उसमें बहुत ज्यादा वेरिएबल है। ऑब्वियसली 891 वैल्यूज है तो 891 नेम्स होंगे और सबका नाम अलग है, तो वो एक अपने को अलर्ट दे रहा है कि इस पर जरा ध्यान देना कि आपका नेम, टिकट और केबिन में कार्डिनैलिटी बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत सारे डिस्टिंक्ट वैल्यूज है जो कि अपने हमें कोई इशू नहीं है। ऑब्वियसली बात है, नेम में होगा, टिकट और केबिन में भी होगा। फिर पी क्लास इज हाईली कोरिलेटेड विथ पेयर, ये उसने खुद ही निकाल के दे दिया आपको। ठीक है, तो हाई कोरिलेशन की उसने कुछ दी है, अगर आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 हाई कोरिलेशन से निकाल के दे रहा है, यानी कि पी क्लास का पेयर के साथ ऑब्वियस है। अब देखो ये आपका टाइम बचा रहा है, अगर आप फर्स्ट टाइम डेटा देखते हैं और आप वो सारे प्रोसेस से जाते हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, वो अच्छा प्रोसेस है बट थोड़ा टाइम टेकिंग है। बट इसने पहले बता दिया कि पेयर और क्लास हाईली कोरिलेटेड है, पेयर इज हाईली कोरिलेटेड विद पी क्लास, पी क्लास इज आई डोंट नो व्हाई सेम ही है, आई थिंक सब सेम है क्या। हाँ, सर्वाइव इज हाईली कोरिलेटेड विद सेक्स, ये इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये हमने पता लगाया था थ्रू अ PDF, अगर आपको याद होगा तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन था, याद है आपको हमने बनाया था, उसके थ्रू भी हमने ये पता लगाया था कि सर्वाइव इज हाईली कोरिलेटेड विद द जेंडर। ठीक है, और क्या दिख रहा है, हाँ, सिबलिंग स्पाउस इज हाईली कोरिलेटेड विद पेरेंट चाइल्ड, पेरेंट चाइल्ड इज हाईली कोरिलेटेड विद सिबलिंग स्पाउस। ठीक है, ये सब है। और मिसिंग क्या है, एज हैज 19.9% मिसिंग वैल्यूज, केविन हैज 77% मिसिंग वैल्यूज, तो ये अपने को अलर्ट दे रहा है कि ये दो में मिसिंग बहुत ज्यादा है। ठीक है, एक सेकेंड, हेलो, हाँ हाँ 12 बजे, ठीक है, तो ये बेसिकली आपको अलर्ट देगा। फिर वेरिएबल्स में पैसेंजर आईडी में डिस्टिंक्ट कितना है, मिसिंग कितना है, आपको वेरिएबल का एक एक वेरिएबल का देगा। आप काउंट प्लॉट देखो यहाँ पे, सर्वाइव में आ गए कि 549 लोग नहीं सर्वाइव किए, 342 सर्वाइव किए, तो
ये कोई बहुत मेजर इंडिया नहीं है, बट जो आप बेसिक कर रहे थे वो आपको समझ में आ गया कि वो बना के खुद ही दे दे रहा है। पी क्लास में भी 491, थर्ड क्लास है 216, फर्स्ट क्लास है 184, सेकंड क्लास है, और उसने ऑर्गेनाइज करके दिया। अगर आप देखो तो उसने एक अपने को डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया है, ठीक है। अगर आप टॉगल डिटेल्स में जाओगे तो इस पर क्लिक कर रहे हैं तो और भी डिटेल दे देगा वो, मैक्सिमम क्या है, मीडियम क्या है, कैरेक्टर वगैरह वगैरह। तो ये सब उसने वेरिएबल्स के साथ किया है। एज में अगर आप देखो तो मिनिमम एज दिया है, मैक्सिमम एज दिया है ना, तो मीन एज दिया है। तो ये सारे जो बेसिक बेसिक एनालिसिस आप कर सकते हो वो आपको ऑलरेडी करके मिल जाएगा। इंट्रैक्शन में स्कैटर प्लॉट होता है, तो पैसेंजर आईडी वर्सेस फेयर, ठीक है। अगर मेरे को एज वर्सेस फेयर देखना हो तो ये एज वर्सेस फेयर, अभी कुछ फेयर बहुत ज्यादा है, अभी ये आउटलाइन है डेटा के, ये 40 इयर्स के दो लोग थे, ये कोई कपल होगा, उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा दिया, और बाकी 40 इयर्स में अगर आप देखो तो ज्यादातर जो फेयर है वो $100 से नीचे ही है। हो सकता है भाई इन्होंने लास्ट मोमेंट पे टिकट लिया हो या कुछ करके लिया हो, या आउटलायर होगा, गदर डेटा एंट्री भी हो सकती है, अपने को नहीं पता, बट अपने को एक विजुअलाइजेशन क्लियर यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। और आप क्या देख सकते हो, फेयर वर्सेस, अच्छा फेयर वर्सेस फेयर तो ऑब्वियसली नहीं दे रहा हूँ, एज हमने देख लिया है। फेयर वर्सेस हम अगर ये देखें तो कौन से आईडी ने ज्यादा फेयर दिया है, या सिबलिंग स्पाउस देखें तो जिनका सिबलिंग स्पाउस ज्यादा है फेयर ऑब्वियसली उनका ज्यादा ही होगा। बाकी अगर आप देखो तो चार वालों का सेम है, तीन वालों का सेम है, मतलब सिमिलर है। यहाँ यहाँ पे कुछ है, जैसे ये होगा, इनके तीन सिबलिंग थे बट इन्होंने बहुत ज्यादा पैसा दिया, इनका तो कोई सिबलिंग था भी नहीं फिर भी इनसे सबसे ज्यादा पैसा दिया है, ठीक है। तो ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो आपको ईडीए से ही करना है अपने रेगुलर, बट बेसिक चीजें आपको ये बता देगा। फिर कोरिलेशन, मैंने आपको बताया था कि अलग अलग टाइप के कोरिलेशन होते हैं ना, अभी आपको उसका मैथ्स जानना है तो हम लोग मैथ्स डिस्कस करेंगे अगर टाइम मिलेगा तो, काफी इंटरेस्टिंग होता है, बट यहाँ पे बेसिक आपको मिल जाएगा कि कोरिलेशन मैट्रिक्स कैसे निकाला है, क्या पियर्सन यूज किया है, स्पीयरमैन यूज किया, केंडल यूज किया, क्रैमर यूज किया, अलग अलग ये मैथमेटिशियन स्टैटिस्टिशियंस का नाम है जिन्होंने कोरिलेशन डेटा को फाइंड करने के टेक्निक बताए थे। फिर मिसिंग वैल्यूज अगेन, ठीक है, काउंट मैट्रिक्स, ये सब हीट मैप में मिल जाएगा आपको, ये सब इंफॉर्मेशन है। और सैंपल मतलब जैसे हम लोग हेड करते हैं वैसा सैंपल, ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि कोई बहुत खतरनाक चीज है और आप नहीं करोगे तो आपका कुछ रह जाएगा। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि बहुत ही बेसिक चीज है, ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज है जो आपको शायद टाइम बचाने में हेल्प कर सकता है, और मैं चाहूंगा कि आप इसको खुद ही एक्सप्लोर करो अलग अलग डेटा पे। मेरा रिकमेंडेशन ये होता है कि जो हमने सीखा है कोड उसको हम ट्राई करें, क्योंकि आप जितना कोड करोगे आपका मसल मेमोरी इतना बिल्ड होगा और उतना फास्ट हो जाओगे, और कभी आपको टाइम बचाना हो, फटाक से किसी को रिपोर्ट देना हो, ओवरव्यू देना हो, तो आप इसको यूज कर सकते हो। और इसका जो अपडेटेड कोड है मैं वो आपको शाम तक भेज दूंगा, क्योंकि मैंने जब ये बनाया था जुपिटर फाइल शायद 2021, आपको दिख रहा है 2021 ना लास्ट चेक पॉइंट, तो 2021 में मैंने ये लिखा था, तब ऑब्वियसली 2021 से 2024 हो गया, 3 साल में टेक्नोलॉजी पूरी बदल जाती है, तो थोड़ा सा कोड इनका अपडेट हुआ है और थोड़ा नाम चेंज हुआ है, वो मुझे देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। तो पांडस प्रोफाइलिंग करता क्या है वो क्लैरिटी है आपको, दिखा क्या रहा है, ठीक है। तो अभी हम ये तो मेरे को कराना था, फॉर्मेलिटी मैंने करा दिया, अभी जो मेन चीज जिसके लिए आज हम लोग ज्वाइन किए हैं उस पे आ जाता है, डेटा प्री प्रोसेसिंग पे आ जाता है, ठीक है। मेरी आवाज सुन रही है? हाँ ओके। अभी हम एक टर्म है और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, फीचर इंजीनियरिंग करके बोलते हैं, ठीक है, हम उसको बोलते हैं फीचर इंजीनियरिंग। अब ये फीचर इंजीनियरिंग जो टर्म है, आपने डेटा लिया, यहां तक आपने क्या सीखा है, आप डेटा को लोड कर सकते हो अपने सिस्टम में, ये हमने सीखा आया है ना। लोड करने के बाद उस पर बेसिक एनालिसिस करना सीख लिया, अब हम उसमें थोड़ा सा
करेंगे बोल सकते हो, या प्रोसेसिंग करेंगे, फिर हम उसको थोड़ा सा मॉडल मॉडल मॉडलिंग करेंगे, मॉडल पे देखें और हमारा आउटपुट निकलेगा, जिसको हम क्या करते हैं, आपको अगर याद होगा तो होस्ट करते हैं ऑनलाइन इंटरनेट पे। ठीक है, तो हमने यहां तक का जो चीज है वो कवर कर लिया। अब मैं आपको बताऊं, ये जो चीज है ये एक्चुअली में बहुत बड़ी चीज है, तो मैं अगला 15 से 20 घंटे आपको इसी पे लेकर चलूंगा, और मैं गारंटी देता हूं कि आपका फ्यूचर इंजीनियरिंग एकदम टॉप क्लास हो जाएगा, वो मेरी गारंटी है। एक-एक डिटेल पढ़ेंगे, कौन सी टेक्निक कब यूज करनी है, कब यूज नहीं करनी है, क्यों यूज करते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, मैथ्स क्या है, उसको कोड कैसे करते हैं पाइथन कोड के साथ, वो मैं आपको कराऊंगा। ये बाकी का इजी है, ये ही एक ऐसी चीज है जो मैं बोलता हूं आर्टिस्टिक चीज है। अगर आपको आइडिया होगा तो हर प्रोग्रामर का एक तरीका होता है प्रोग्रामिंग करने का, एक लैंग्वेज होता है, ठीक है, जिसको हम जैसे डिजाइन लैंग्वेज होता है, अगर आप किसी डिजाइनर के पास जाओ उसके कपड़े लो, तो वो कपड़े देख के पता चलते कि ये इस डिजाइनर के कपड़े, क्योंकि उसका उसमें कुछ ना कुछ एक छाप छूट जाती है, एक लैंग्वेज होता है, हर एक का एक तरीका होता है। वैसे ही हर प्रोग्रामर का डेटा प्रीप्रोसेसिंग का अपना तरीका होता है, तो आप कहीं भी सर्च कर लो इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, आपको अलग 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 तरीके मिलेंगे, वो गलत नहीं है, क्योंकि सबका अपना अपना स्टाइल है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस कर पाते हो इस आर्ट को डेवलप करने के लिए। तरीके तो मैं बता दूंगा, उसको यूज कैसे करना है, कब करना है, वो भी मैं बताऊंगा, बट आप यूज करोगे कि नहीं, कि वो आपके ऊपर और आपके स्टाइल के ऊपर। तो फीचर इंजीनियरिंग है क्या, मैं आपको बता रहा हूँ, डेटा मिल गया। अब टाइटैनिक डेटा लिया था हमने, आपको याद है टाइटैनिक डेटा लिया था। अब इस टाइटैनिक डेटा में मिसिंग वैल्यूज भी थे, इस टाइटैनिक डेटा में कुछ और भी चीजें होंगी जो हमने एक्सप्लोर, मतलब हमें विजुअलाइजेशन से पता चला कि है मिसिंग है, ये बात हमने विजुअलाइज कर ली, लेकिन अब इसमें एक्शन भी लेना पड़ेगा। क्या मैं वो मिसिंग डेटा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या मैं वो मिसिंग डेटा सीधा मॉडल को दे दूँ, यस और नो? ये सब मॉडल को देखिए सीधा वो बिना बिना प्रोसेस डेटा नहीं, राइट? नो, क्यों? क्योंकि आपका भी जो मॉडल है वो वही सीखेगा जो आप डेटा दोगे। एक ऐसा कहा जाता है कि अगर आप एक अच्छे मॉडल को खराब डेटा दो और एक खराब मॉडल को अच्छा डेटा दो, प्री प्रोसेस डेटा दो, तो खराब मॉडल भी बेटर काम कर जाएगा अच्छे मॉडल से, जस्ट बिकॉज ऑफ द रिचनेस ऑफ डेटा। तो ये पूरा जो फील्ड है ना, फीचर इंजीनियरिंग या बोल लो डेटा प्री प्रोसेसिंग, ये पूरा उसके इर्द-गिर्द घूमता है कि डेटा को मॉडल के लायक अच्छा बनाया जाए, कि मॉडल समझ सके। ठीक है, अब मॉडल पे भी आएंगे थोड़ी देर बाद। एक्चुअली मैं फीचर इंजीनियरिंग की कोडिंग शुरू करने के पहले मैं आपको समझाऊंगा मॉडल क्या होता है, कैसे काम करता है, बट अभी सुन लो कि 3-4 चीजें सुन लो। ठीक है, पहला जो तरीका होता है वो होता है फीचर ट्रांसफॉर्मेशन, वो होता है फीचर ट्रांसफॉर्मेशन। फीचर ट्रांसफॉर्मेशन यानी आपके पास एक कॉलम है या आपके पास एक फीचर है, नाम से पता चल रहा है फीचर है, जो फॉर्म में आपको फीचर मिला है फ्रॉम द डेटा, यू आर नॉट हैप्पी विद दैट, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, आप उसको ट्रांसफॉर्म करके उसी फीचर को एक नए फॉर्मेट में लाना चाहते हो, उसको हम बोलते हैं फीचर ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अंदर भी कुछ चीजें हैं जैसे कि मिसिंग वैल्यू इम्प्यूटेशन, मिसिंग वैल्यू इम्प्यूटेशन मतलब आपका जो फीचर है उसमें कुछ मिसिंग वैल्यूज है, उसको आपको फिल करना है। ठीक है, कुछ मिसिंग वैल्यूज है उसको फिल करना है, उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में इम्प्यूटेशन बोलते हैं। फिर हो सकता हैंडलिंग कैटेगोरिकल डेटा, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है, हैंडलिंग कैटेगोरिकल डेटा। अभी कैटेगोरिकल डेटा, आपको आइडिया है कैटेगोरिकल डेटा क्या होता है, हमने डिस्कस किया, जैसे जेंडर का देखा था हमने, मेल या फीमेल, एम या एफ, ये कैटेगरी हो गई ना,
फिर हमने मेल को क्या दे दिया, 1, और फीमेल को क्या दे दिया, 0 या वाइस वर्सा। अब होता क्या, हमें इसको हैंडलिंग, ये वर्ड क्यों लिखा है, मशीन को ये नहीं समझना था, उसको नंबर समझना था। मशीन को कभी भी लैंग्वेज नहीं समझेगा, उसको नंबर समझेगा। तो हमें कैटेगोरिकल डेटा को एक न्यूमेरिक डेटा में कन्वर्ट करना है। वैरायटी है, क्या कर रहे हैं, फिर अपना क्या आ जाता है, आउटलायर डिटेक्शन। आउटलायर डिटेक्शन, अगर आपको याद होगा तो लास्ट टाइम मैंने बताया था आउटलायर मतलब ऑड मैन आउट था, क्या था, ऑड मैन आउट, ठीक है। आउटलायर मतलब क्या था, ऑड मैन आउट। जैसे कि एक बंदा था जिसका पैर $500 था, याद है आपको, अकेला था वो, ये एक आउटलायर है। मतलब बेसिकली क्लास में सबको मार्क्स आ रहे 50 और एक बंदा है जिसको आ रहे 98, तो आउटलायर हो गया, ठीक है। आउटलायर को डिटेक्ट करेंगे, आउटलायर से डील करेंगे, वो अपना आगे आता है। और लास्ट इसमें आता है फीचर स्केलिंग, ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं सबसे पहले शुरुआत यहीं से करूंगा, तो अभी इसकी इतनी चर्चा नहीं कर रहा, ठीक है। तो फीचर ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आया आपको, आया ना जल्दी से, अगला हम क्या करने वाले हैं, हम लेंगे फीचर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। फीचर कंस्ट्रक्शन मतलब हो सकता है कि आपका जो डेटा मिला आपके पास, मान लो 15 कॉलम है, वो 15 कॉलम है, आपको लग रहा है कि 2-3 कॉलम ऐसे हैं जो बता सेम इंफॉर्मेशन रहे हैं बट अलग अलग तरीके से, तो आप उनको मर्ज करके एक नया फीचर कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, या जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो डेटा में था ही नहीं तो आपने बना दिया, है ना। जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आपको डेटा में क्या मिला, कंपनी का डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट मिला, कौन सी डेट को कंपनी एस्टैब्लिश हुई या कौन सी ईयर को कंपनी एस्टैब्लिश हुई, मान लो 2015 में एक कंपनी थी जो एस्टैब्लिश हुई, तो आप उस कंपनी का एज बना सकते हो ना, 2024-2015 करके, मतलब 9 साल पुरानी कंपनी है, आया ना। मेरे पास सबका ईयर का डेटा हो सकता है जिसको मैं एज में कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ, इसको मैं बोलूंगा फीचर कंस्ट्रक्शन। क्लैरिटी है, आया ना। फिर आता है फीचर सिलेक्शन। अब ये थोड़ा सा आसान है, मतलब ये आपके पूरी तरह से डोमेन नॉलेज के ऊपर निर्भर है। डोमेन नॉलेज मतलब मैं आपको बताता हूं, ठीक है। एक प्रॉब्लम होती है, एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का नाम है यहां पर लिखता हूं कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी, कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी। अगर आपका डेटा में नंबर ऑफ फीचर्स बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ कॉलम्स बहुत ज्यादा है, तो बहुत बड़ा डेटा हो गया आपके पास, तो प्रॉब्लम ये है जब डायमेंशन बहुत बड़ा हो जाता है तो मशीन को ना समझ में नहीं आता, वो कंफ्यूज होने लगता है इतने सारे नंबर्स देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम फीचर्स को मैनुअली सिलेक्ट करते हैं, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो काम की चीजें हैं उनको रखो और जो फालतू चीजें तो निकाल दो। जैसे कि जैसे पैसेंजर आईडी अपने टाइटेनिक डेटा में वेस्ट है, पैसेंजर आईडी से सर्वाइवर का कोई लेना देना नहीं है ना, नाम से कोई लेना देना नहीं है, नाम से तो वो सर्वाइव हुआ या नहीं वो अपने को पता नहीं चलेगा। तो नाम और ये जो ऐसे फीचर है जो अपने को कोई यूज नहीं है तो मैं उनको हटा दूंगा, उसको मैं बोलता हूँ फीचर सिलेक्शन। और एक लास्ट चीज होता है फीचर एक्सट्रैक्शन, लास्ट है, ठीक है, फीचर एक्सट्रैक्शन। अब ये फीचर सिलेक्शन का ही ऑटोमेटेड तरीका है, ठीक है, फीचर सिलेक्शन का ही एक ऑटोमेटेड तरीका है। मतलब आप ऑटोमेटिकली, जैसे यहां पे मैंने बोला ये मैनुअल था, ये मैं खुद मेरे डोमेन नॉलेज के ऊपर निर्भर करेगा कि मेरे को क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको सिलेक्ट करूंगा। पर अगर आपको डोमेन का नॉलेज नहीं है तो आप फीचर एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है, ये ऑटोमेटेड होगा। बट जो आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो कुछ नए फीचर्स आपको मिलेंगे, उस पर थोड़ा बाद में डिस्कस कर लेंगे, लास्ट में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आपको अगर इतना थियोरी क्लैरिटी है तो मैं आपको फटाफट से एक एग्जाम्पल से आगे खत्म करता हूँ इसको, ठीक है। अभी जैसे यहाँ देख लो, मिसिंग डेटा इंप्यूटेशन,
मान लो एवरेज एज क्या है 26, इस डेटा का जो एवरेज एज है वो 26 है, तो यहाँ पे मेरे को मिसिंग था दो जगह, तो मैंने वहां पे 26 डाल दिया। अब ये एक तरीका है, कोई बोलेगा सर एवरेज मत डालो, एक काम करो मीडियन डालो, जो मीडियन एज होगा वो डालो, या एक काम करो सर ड्रॉप कर दो रोज को, ड्रॉप रोज, ये भी एक तरीका है। तो इसको कैसे हैंडल करना है ना, इस पर पूरा ना 2 घंटा बैठ के डिस्कस करेंगे, कोर करेंगे कि मिसिंग डेटा इंप्यूटेशन होता कैसे, कब ड्रॉप करने का, कब मीन यूज करने का, कब मीडियन यूज करने का, एक पूरा डेडिकेटेड लेक्चर उस पर हम रखेंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं हैंडलिंग कैटेगोरिकल डेटा पे। ये मैं आपको बता रहा था कि नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं ना, हमने मेल को 1 बोल दिया था और फीमेल को 0 बोल दिया था, आया ना। मान लो आपके पास 1 से 2 से ज्यादा है, ठीक है, आपको इंडेक्स पे डॉग है, कैट है, शीप, हॉर्स लाया, तो आपने क्या किया, आपने जितने भी आपके पास फीचर्स थे, जितने भी आपके पास फीचर्स थे उन सबको आपने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, और इंडेक्स 0 पे डॉग था तो इंडेक्स 0 पे मैं डॉग पे 1 करूंगा, बाकी सब में 0 डालूंगा। इंडेक्स 1 पे कैट था तो इंडेक्स 1 पे कैट को 1 करूंगा, बाकी सबको 0 डाल दूंगा। 2 पे शीट था तो शीट को 1 करूंगा, बाकी सबको 0 डाल दूंगा। फिर 3 पे हॉर्स था तो हॉर्स पे 1 किया, बाकी सबको 0 डाल दूंगा। मतलब ये जो वेक्टर है 1 0 0 0 0, ये एक डॉग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक डॉग को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो वेक्टर है 0 1 1 1 0 0 0 0, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैट। इसको हम बोलते हैं वन हॉट एनकोडिंग, वन हॉट कोड या वन हॉट एनकोडिंग, OHE। इसको भी हम डिटेल में देखेंगे कि कैटेगोरिकल डेटा को हम कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है। अभी बस बेसिक समझ लो, डीलिंग विद आउटलायर्स देखो। अगर आप देखो ये मेरा डेटा है, यहां पे कुछ आउटलायर्स थे मेरे पास, हाँ या ना, या आउटलायर्स दिख रहे, डेटा से एकदम अलग है ये, बराबर। ये जो मेरा लाइन है ये मेरा बेस्ट फिट लाइन है। अब बेस्ट फिट लाइन क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, बट बेस्ट फिट लाइन मतलब थोड़ा पतला कर देता, ठीक है। बेस्ट फिट लाइन मतलब क्या होता है, बेस्ट फिट लाइन मतलब ये होता है जो आपको आपके मॉडल ने जो आपको लाइन दिया है जिससे एक्यूरेसी सबसे अच्छी है, वो लाइन इस डेटा को कंसिडर करने के चक्कर में थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो गया। जैसे ही वो डेटा रिमूव कर दूं, अगर आप देखो आपका लाइन पूरी तरह से नीचे आ गया, क्योंकि अब वो खाली इन्हीं डेटा को ध्यान में रखकर लाइन बना रहा है। आपको ये डिफरेंस समझ में आ रहा है लाइन के ऊपर, हाँ ना। तो ये है आपका विद आउटलायर्स और ये है आपका आउटलायर्स रिव्यू, अब मच बेटर फिट, ठीक है। तो इस पे भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। फिर आता है फीचर्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरुआत यहीं से करेंगे और आपको एक्यूरेसी में डिफरेंस दिखाऊंगा। अभी एक्यूरेसी वर्ड से डरना नहीं, अभी आपको बताऊंगा कि क्या होता है ये, अगर आपको नहीं पता है तो। फीचर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों, देखो एज में अगर आप देखो ये एज है तो एज का जो रेंज होगा वो क्या होगा, मान लो अगर ये वर्किंग है तो 20 से लेके 60 तक रेंज होगा, तभी तो सैलरी आएगी, सैलरी का जो रेंज होगा वो 20,000 से लेके 1 मिलियन तक हो सकता है, मतलब होने को कुछ भी हो सकता है बट पॉसिबिलिटी है ना। तो ये रेंज में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ये तो ये हंड्रेड में, ये टेंथ में डील कर रहा है और ये 100,000 से मिलियन में डील कर रहा है, तो जो रेंज है वो बहुत डिफरेंट है। यानी कि आपके कुछ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स होते हैं जो डिस्टेंस, यूक्लिडियन डिस्टेंस को पता, अपन बेसिक मैथ पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, मान लो ये x1, y1 है और ये x2, y2 है, ठीक है। और मान लो मैं यूज कर रहा हूं kn, ठीक है, kn क्या होता है बाद में बताऊंगा, अभी चिंता मत करो। के नियरेस्ट नेबर, ये एक ऐसा एल्गोरिथम है जो इन दोनों पॉइंट के डिस्टेंस के ऊपर काम करता है। अब इसका एक्स अभी डिस्टेंस क्या होगा, अंडर रूट ऑफ डिफरेंस इन एक्स का स्क्वायर प्लस डिफरेंस इन वाई का स्क्वायर, यही होता है ना डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, आया
तो अगर आप देखो तो डिफरेंस इन वाई तो बहुत बड़ा है और डिफरेंस इन एक्स बहुत छोटा है, तो इनका जो एडिशन है वो अप्रोक्सीमेटली डिफरेंस इन वाई ही आएगा। अरे मतलब मैं अगर 1 लाख में सिर्फ 1 ऐड करूं तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 लाख ही आया ना, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि मेरा जो KNN मॉडल है वो खाली सैलरी पर ट्रेन हो रहा है, वो तो एज पे ट्रेन ही नहीं हो रहा है। तो वो प्रॉब्लम को डील करने के लिए हम फीचर स्केलिंग करते हैं, यानी कि ये दोनों फीचर्स को एक ही स्केल के अंदर लेके आओ, दैट इज -1 से +1, इनके बीच में लेकर आओ, चाहे सैलरी हो चाहे एज। अब ये -1 to 1 कंपलसरी नहीं है, चेंज भी हो सकता है, बट हाँ मोस्टली -1 to 1 ही होगा, ठीक है, ताकि वो दोनों को इक्वल वैल्यू दे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ फीचर कंस्ट्रक्शन मैं बता रहा था, यहाँ पे जैसे फीचर कंस्ट्रक्शन क्या है, सिबलिंग स्पाउस और पेरेंट चाइल्ड दो है, देखा जाए तो ये दोनों फैमिली बता रहे हैं मुझे, तो मैं एक नया कॉलम बना लेता हूँ फैमिली का, जो मैं ऐड कर दूंगा इनको, है ना, इनको ऐड करके नया फैमिली बना दूंगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 1 0 0 0 4 समथिंग। तो अगर ये देखो तो 2 से 1 हो गया, 2 से 1 हो, तो नया फीचर कंस्ट्रक्ट किया, बेसिकली फीचर या आपके डोमेन नॉलेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो फीचर सिलेक्शन एक एमनेस डेटा सेट होता है, ठीक है, एमनेस डेटा सेट। एमनेस डेटा सेट बेसिकली क्या करता है, आपके पास हैंड रिटन डिजिट है, किसी ने पहले सुना है क्या ये? तो बेसिकली अगर आप देखो तो ये आपको एक 8 8 डिजिट दिख रहा है, जो हाथ से लिखा हुआ 8, ये वाला है ना, समझ पाएंगे। ये जो 8 है, अभी इसको इन्होंने, अभी देखो मैं आपको बता रहा हूँ, एक इमेज होता क्या है, जो आप कंप्यूटर पे ये जो स्क्रीन दिख रहा है वो है क्या, वो बेसिकली नथिंग बट पिक्सल्स होंगे, पिक्सल्स है ना ये सारे, हाँ आपका जो पूरा स्क्रीन है वो पिक्सल्स में डिवाइडेड है ना। तो ये जो पहला पिक्सल है ये उन्होंने यहाँ पे वैल्यू किया उसका 0, 0 मतलब व्हाइट और 1 मतलब ब्लैक, और 0 से 1 के बीच में मतलब ग्रे, अगर डार्क ग्रे है तो 0.8 समथिंग होगा, लाइट ग्रे है व्हाइटिश है, जैसे ये वाला दिख रहा है, तो ये वाला पिक्सल, ये वाला, ये 0.3 या 0.4 होगा शायद, ये वाला 0.7 होगा, और ये जो डार्क ब्लैक है ये 1 होगा। पहले बात इमेज समझ में आया ना, आया ना, नहीं समझ नहीं समझ में, वापस समझाओ। ओके इसमें इरेज का है क्या कोई ऑप्शन? ऐड पेंसिल पेन हाइलाइटर सब डिलीट का ऑप्शन तो नहीं, इसको डिलीट कर सकता हूँ, डिलीट कर देंगे, हाँ डिलीट ठीक है। अभी देखो इसको कंट्रोल कर, देखो आपका जो इमेज है, मान लो आपके पास एक इमेज, ठीक है, ये आपका इमेज है, उसपे किसी ने लिखा है कौन, ये किसी ने लिखा है, ठीक है। कंप्यूटर में इमेज होता क्या है, कंप्यूटर में इमेज एक मैट्रिक्स होता है, एक क्या होता है, मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ व्हाट, मैट्रिक्स ऑफ पिक्सल वैल्यूज, मैट्रिक्स ऑफ पिक्सल वैल्यूज। तो ये जो इमेज है,
ये जो इमेज है ये बेसिकली पिक्सल्स में डिवाइडेड है। पिक्सल्स तो सुना ही होगा अपने कैमरा में भी होता है, फोन में मेगा पिक्सल्स है ना, वो बता क्या रहा है, वो नंबर ऑफ पिक्सल बता रहा है। मतलब कि आप जो, जैसे मेरा फोन क्या है 18 मेगापिक्सल, मतलब जब मैं फोटो खींचता हूँ तो वो फोटो बेसिकली जो मैट्रिक्स है उसके अंदर 18 मेगा, मतलब 10 की पावर 6 होता है ना, तो 18 × 10 की पावर 6 पिक्सल्स है उसके अंदर। अब क्लैरिटी आ गई, ठीक है, और हर एक के अंदर पिक्सल वैल्यू है, तभी वो एक इमेज बन रहा है। और वो पिक्सल वैल्यू 0 से 255 के बीच में होता है, रियल लाइफ सिनेरियो की बात कर रहा हूं, ठीक है। व्हेन द कलर इज RGB, तीन ही कलर होते हैं ना प्राइमरी कलर्स, ठीक है, RGB या हाँ रेड ग्रीन। तो अभी ये जो 8 नंबर दिया है डेटा, ये बेसिकली सेट ऑफ पिक्सल्स है, वो पिक्सल वैल्यूज उन्होंने टैबुलर फॉर्म में लिख के आपको डेटा दिया है और बोला है कि ये नंबर 1 के पिक्सल वैल्यूज है। डेटा समझ में आया? कैसे मैं बताता हूं, अगर ये पिक्सल को देखो, क्या ये पिक्सल पूरी तरह से व्हाइट है, इधर कुछ लिखा हुआ तो है नहीं, आया ना? ये जो पिक्सल मैंने सिलेक्ट किया है, अच्छा ये जो पिक्सल है ये पूरी तरह से व्हाइट है, तो इसकी वैल्यू 0 है। पिक्सल वैल्यू क्या है? 0। 0 मतलब मैंने बताया व्हाइट, और 1 मतलब ब्लैक। तो ये पिक्सल वैल्यू 0 है वो उन्होंने यहाँ पे दे दिया, ये पिक्सल वैल्यू यहाँ पे दे दिया, ये पिक्सल वैल्यू यहाँ पे दे दिया। अब ये इसमें 28 बाय 28 का मैट्रिक्स है, ये मतलब 784, 28 बाय 28 जो भी आता होगा, 784 पिक्सल्स हैं इसके अंदर। उन्होंने एक-एक करके पिक्सल वैल्यू आपको डेटा में दे दिया है और आपको बोला है बताओ वो कौन सा नंबर है, 1 है, 4 है, क्या है। क्लैरिटी आ रही है? डेटा क्या है? हाँ ठीक है। अभी अगर आप देखो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं आपके पास, 784 कॉलम्स हो जाएंगे। ये एक्चुअली में बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इतने सारे नंबर्स देख के मॉडल बहुत स्लो हो जाएगा, उसका लर्निंग बहुत स्लो हो जाएगा। तो फीचर सिलेक्शन कहता है कि मैं इतना ही इमेज लूंगा, मतलब मैं इतना ही इमेज लूंगा। क्या मैं इतना ही इमेज लिया तो भी मेरे पास वही इंफॉर्मेशन है जो पूरे इमेज में इंफॉर्मेशन था? मैंने ये सब डिस्कार्ड कर दिया, सब हटा दिया, ड्रॉप कर दिया, सब कॉलम निकाल दिया, तो आपको नहीं लगता मेरा कंप्यूटेशन पावर बच गया थोड़ा? इससे क्या होता, आपका स्पीड बढ़ जाता है और आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है। इसको आप बोलते हैं फीचर सिलेक्शन। सारे कॉलम्स रखो आप, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है वही कॉलम आपको रखना है अपने डेटा। और एक लास्ट है फीचर एक्सट्रैक्शन, इस पर तो मैंने बहुत अच्छा ब्लॉग भी लिखा है, अगर आप हर्ष मिश्रा पीसीए इंटरनेट पे लिखोगे तो मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ, और हम लोग डिटेल में देखेंगे इसका पूरा मैथमेटिक्स देखेंगे। फिलहाल मैं इसको कवर नहीं करूंगा। पीसीए टेक्निक होता है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, तो आपको आई थिंक से ऊपर ही आ जाना चाहिए। हाँ ये रही, ठीक है, यहाँ पे आपको आएगा पीसीए का प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ मशीन। तो ये हम लोग बाद में भी रिफर करेंगे जब हम लोग क्लास रखेंगे इसका, बट एक तरीका एक्सट्रैक्ट करने का, बेसिकली इसको ऑटोमेट कर दिया, जो आप मैन्युअली सिलेक्ट कर रहे थे उसको ऑटोमेट कर दिया उसने, फीचर्स को कम कर दिया। तो ये जो बेसिक है ये आपने आज समझा कि फीचर इंजीनियरिंग होता क्या है। इसके बाद से अब सारा जो असली गेम है डेटा साइंस का वो स्टार्ट। ठीक है, तो मेरा क्या सोच था, मैं चाहता था कि आपको जो स्केलिंग है वो मैं आपको दिखा दूं आज ही, बट उसमें एक प्रॉब्लम है कि वो अभी लेक्चर एक्सटेंड हो जाएगा 12:30 या 12:45 तक, अगर आपको इश्यू नहीं रहेगा तो मैं आपको ये अभी दिखा सकता
करना ही है। चलिए तो बट मैं ट्राई करूंगा जल्दी कर, बट जितना भी जल्दी करूँ थोड़ा टाइम तो लगेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, बट अपन स्क्रैच से कर रहे इसके लिए टाइम लगेगा। हाँ जो है बंद कर दो, ठीक है। तो जरा सा स्केलिंग देखते हैं। अच्छा एक स्केलिंग के पहले मुझे आपको मॉडल समझाना पड़ेगा, ठीक है, मॉडल समझाता हूँ फिर मैं आज का लेक्चर एंड करता हूँ, तो स्केलिंग हम नेक्स्ट में देखते हैं। जरा मशीन लर्निंग मॉडल का ये भी एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन है जो मैं अभी करके खत्म करना चाहता हूँ ताकि अगले बार हम सिर्फ कोड करें बाकी थियरी पे टाइम ना दें। मुझे कोई बता सकता है किसी ने भी आज तक एमएल मॉडल के बारे में सुना है? थोड़ा बहुत सुने, कुछ बता सकते हो, बेसिक आइडिया बता सकते हो क्या होता है? बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मजेदार चीज है, जब इसमें आएंगे अगर टाइम मिला कोर्स खत्म होने के पहले तो बहुत डिस्कशन कर सकते हैं। थोड़ा आपने क्या सुना कुछ शेयर कर सकते हैं? कोई भी दूसरा ऐसा मैं उसको पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, कोई भी 16 होगा, ठीक है, अभी मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ कॉमर्स में। अच्छा एमएल पे, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ मशीन लर्निंग मॉडल क्या होता है। देखो बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, डेटा है जो एज एन इनपुट काम करता है। आपके पास एक डब्बा है, डब्बे के बाहर लिखा है एमएल मॉडल और बाहर आ रहा है प्रिडिक्शन, बाहर आ रहा है एक प्रिडिक्शन। तो एमएल मॉडल बेसिकली सेट ऑफ मैथमेटिक्स ही है और कुछ नहीं, मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल रूल्स, एक एल्गोरिदम, मैथमेटिकल एल्गोरिदम है एक मशीन लर्निंग। एमएल मॉडल क्या है? मैथमेटिकल एल्गोरिदम। इसका काम क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मॉडल तो बना बना मिलता है, उसको इंपोर्ट कर लेंगे, एक्यूरेसी निकाल लेंगे, दिखा भी देंगे टीचर को, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कौन सा मॉडल यूज करना है वो भी आसान है, वो इंटरनेट पे सब पड़ा हुआ है। काम क्या है इसका? नाम से पता चलता है इसका काम है टू लर्न, इसका काम है टू लर्न, इसीलिए इसको बोलते हैं मशीन लर्निंग। मशीन को एबिलिटी दो सीखने का, मशीन जब सीख कर डिसीजन लेगा तो वो स्मार्ट कहलाएगा और वही काम है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का मतलब लर्न फ्रॉम द पास्ट, जो हम नहीं करते हैं, मतलब करना चाहिए, लर्न फ्रॉम द पास्ट। एंड व्हाट इज पास्ट? योर पास्ट डेटा। बेसिकली अगर मैं चाहता हूं, कि मैं अपने मशीन को सिखा दूं कि जो इमेज मैंने इनपुट दिया है, मतलब कि इमेज इनपुट दिया है वो डॉग है या कैट है, वो पहचान के दिखा है। मैं चाहता हूं कि मेरा मशीन थोड़ा स्मार्ट हो जाए, और स्मार्ट क्या, तो डॉग और कैट को फर्क पहचानना शुरू कर दो, डॉग और कैट के बीच में। मैं क्या करूंगा, 10,000 फोटो लाऊंगा डॉग का, 10,000 फोटो लाऊंगा डॉग का और मेरे एमएल मॉडल को दिखाऊंगा कि देखो डॉग ऐसा दिखता है। फिर मैं उसको एक फोटो दूंगा। अच्छा मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो, मैंने 10,000 फोटोज दिए डॉग के और उसको एमएल मॉडल को दिखाया, क्या दिखाया? 10,000 डॉग के फोटोज दिखाए और एक नया फोटो उसको इनपुट दिया, बोला बता ये डॉग है या कैट है, क्या मेरा मशीन लर्निंग मॉडल अच्छे से काम कर पाएगा, हाँ या ना? एक ने ना बोला, और कोई ट्राई करना चाहेगा? कुलदीप ने बोला नो, तो मैं ठीक है, अपने को पुराना था,
दो आया, और कोई ट्राई करेंगे। अच्छा क्यों नो? ओके एक्चुअली में ये वो रीजन नहीं है, आई एम सॉरी। उनका कहना है यस काम करेगा, मैं आंसर बता देता हूँ, नो काम नहीं करेगा। मैं बताता हूँ क्यों। अच्छा एक और आया है, यस बिकॉज वी शुड ट्रेन दैट मॉड्यूल। ओके लेट मी आंसर दिस, लेट मी आंसर दिस। क्योंकि आपने कैट कैसा दिखता है वो तो पता है नहीं ना, उसको कैट पहचानने आता है। तो अगर इसमें कैट होगा तो वो उसको भी डॉग ही बोल देगा, क्योंकि उसको डॉग ही, उसको लगता है दुनिया में एक ही एनिमल है। अरे हाँ या ना बोल। उसको तो दुनिया में दूसरा एनिमल से इसका अंदाजा ही नहीं है ना। वो तो मॉडल आया, आपने 10,000 डॉग दिया, पर उसको लगता है कि हर एनिमल डॉग ही है। ये इम्पोर्टेंस है डेटा का, डेटा कितना अच्छा दे रहे हो उस पे डिपेंड करता है एमएल मॉडल कैसा काम करेगा। सारा खेल इसी वर्ल्ड पे है सारा। और आज लड़ाई डेटा की है। बड़ी बड़ी कंपनी, बड़ी बड़ी फेसबुक, इंस्टाग्राम, फेसबुक तो अब मेटा हो गया, गूगल, ये सब आपका डेटा ही तो ले रहे हैं। आपका डेटा लेते हैं, एडवर्टाइजर को बेच देते हैं। सब गेन किसका है? डेटा का। इसलिए हम डेटा साइंस को, ठीक है। तो अभी आपको समझा कि मशीन लर्निंग मॉडल का काम क्या है, डेटा से सीखो और प्रिडिक्शन दो। ये प्रिडिक्शन तीन टाइप का हो सकता है, एमएल मॉडल तीन टाइप का हो सकता है। एक होता है सुपरवाइज, एक होता है अनसुपरवाइज, और एक होता है रीइंफोर्समेंट। ये अभी बड़े बड़े शब्द लग रहे हैं, बहुत ही हल्के शब्द हैं ये, सिर्फ सुनने में बड़े। क्या कभी सुना है ये वर्ड्स? है ना? देखो सुपरवाइज लर्निंग मतलब लेबल्ड डेटा, डेटा में लेबलिंग होनी चाहिए। यहां पे जब मैंने उसको 1,000 डॉग और 10,000 डॉग और 10,000 कैट, मान लो मेरे पास डेटा दोनों का है, अब ये काम अच्छा करेगा। मान लो जब मैंने एमएल मॉडल को 10,000 डॉग दिया, 10,000 कैट दिया, तो मुझे बताना पड़ा हर इमेज में कि ये डॉग का इमेज है, डॉग का इमेज है, ये कैट का इमेज है। तब तो वो सीख पाया ना कि डॉग ऐसा दिखता है, कैट ऐसा दिखता है। मतलब मेरा जो इमेज है क्या वो लेबल्ड है? हाँ या ना? टाइटैनिक में सर्वाइव्ड का 0 और 1 था, 0 और 1, 0 1। मैं बता रहा था ना कि जब पैर ये था, जेंडर ये था, सिब्लिंग इतना थे, पेरेंट चाइल्ड इतना थे, तब ये बचा कि नहीं बचा, मैंने लेबल करके दिया था। जब आप लेबल करके देते हो, जब आपका इनपुट और आउटपुट दोनों लेबल हो, पहले से पता हो, तो वो हो गया सुपरवाइज लर्निंग। कोई डाउट हो तो अभी पूछो। ठीक, अब आता है। हाँ बोलो। नहीं, ओके। अब आता है अनसुपरवाइज लर्निंग, जब डेटा लेबल्ड ना हो, नॉट लेबल्ड। आपको भी नहीं पता कि क्या है डेटा, जैसे कि क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग जैसे कि रेकमेंडेशन, रेकमेंड करना यूट्यूब का। अभी जैसे मेरे को क्लस्टर करने हैं, मेरे पास एक डेटा है मॉल का, उसमें मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं। मैंने क्लस्टर किया, ये भाई ये मेरे अमीर कस्टमर हैं, ये मेरे गरीब कस्टमर हैं, ये मेरे लॉयल कस्टमर हैं, ये मेरे फ्रीक्वेंट कस्टमर हैं, ये मेरे वो कस्टमर है जो सिर्फ डिस्काउंट के लिए आते हैं, ये मेरे दो कस्टमर है जो एडवांस में पैसा देके जाते हैं। अलग अलग क्लस्टर बना सकता कि नहीं बना सकता? जब मैं क्लस्टर बना रहा रहूंगा, तब मैं जब तक डेटा पढ़ के देख के नहीं समझेगा, पहले से तो मैं लेबल नहीं कर सकता ना। पहले से तो मुझे नहीं पता ये कस्टमर कौन से क्लस्टर में गिरने वाला है।
ऐसा लग रहा है पूरा सन्नाटा हो गया। सुपरवाइज समझ में आ गया, अनसुपरवाइज समझ में आ गया। अगर नहीं समझा है तो आप वापस पूछ सकते हो, मुझे कोई इश्यू नहीं है, मेरे लिए कोई टाइम बाउंड नहीं है कि 12 बज गया 1 बज गया। नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो। फिर आता है, हाँ बोलो 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 बोलो, वापस समझाओ। ओके अनसुपरवाइज, देखो डेटा जो है उसमें लेबलिंग नहीं है, मतलब जैसे मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये अपना अपना बेसिक डेटा जहां दे रहा हूँ, डेटा दे रहा हूँ। ये मेरा डेटा है, ये मेरा डेटा है, ये डेटा जो है ये मुझे ऑटोमेटिक मिला है। मैंने डेटा ये मुझे दिया गया, इस डेटा में मुझे पता है कि मुझे जब नया डेटा आएगा, एक नया डेटा आएगा, मुझे प्रिडिक्ट करना है कि वो बंदा सरवाइव हुआ कि नहीं हुआ। मेरे एमएल मॉडल को प्रिडिक्ट करना है कि वो सरवाइव हुआ कि नहीं हुआ। तो डेटा में मैंने ऑलरेडी बता के रखा है कि ये टाइप के लोग सरवाइव किए और ये टाइप के लोग सरवाइव नहीं कर पाए, ताकि मेरा मॉडल सीख जाए और जब कोई नया बंदा आए जिसका डेटा मेरे पास पहले से नहीं था, वो बता दे कि ये सरवाइव करेगा या नहीं करेगा। उस केस में ये कॉलम मेरे पास ऑलरेडी था, मतलब कि मेरा ऑलरेडी डेटा लेबल था, मुझे पता था कि मुझे क्या आउटपुट देना है, वो मेरा सुपरवाइज हो गया। अब क्या हुआ, मेरे पास एक मॉल का डेटा है, उस मॉल के डेटा में कस्टमर डेटा था, मेरे पास कस्टमर का सब कुछ था, हर एक चीज। मुझे क्या करना है, उसको क्लस्टर करना है, मतलब सेगमेंट बनाना है, मुझे अलग अलग कैटेगरीज बनानी है कस्टमर की। भाई ये लॉयल कस्टमर है, ये बहुत रिच है, बहुत महंगी चीजें खरीदता है मेरे से, ये मिडिल क्लास बंदा है, ये ज्यादा नहीं खरीदेगा कुछ, ताकि मैं उनको अपने मार्केटिंग के लिए बोल सकूं। जो रिच बंदा होगा मैं उसको ज्यादा का ऐड दूंगा ना, क्या मिडिल क्लास बंदे को ज्यादा का ऐड देके मेरे को कोई प्रॉफिट होगा, हाँ या ना? क्लैरिटी है? तो मैं अपने मार्केटिंग में मिडिल क्लास वाले को क्या दिखाऊंगा, कोई सादा सा बोलूंगा भाई अरे सेल आ गया, सेल आ गया 1500 में दो जीन्स मिल रहा है, जाएगा तो ये आ जाएगा। रिच वाला कभी नहीं आएगा, रिच कस्टमर सेल 1500 में दो मिल रहा है ये सुन के कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसका भी तो रिस्पेक्ट जा रहा है ना सोसाइटी में। कोई देखेगा बोलेगा यार सेल था तुम आ गए, क्या फायदा मार्केट। अरे तो पॉइंट समझ में आ रहा है? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, पॉइंट समझ में आ रहा है? मैं अपने कस्टमर्स को अलग अलग क्लस्टर में बांटना चाहता हूँ, कैटेगराइज करना चाहता हूँ। अब सवाल ये है, जब मेरे पास कस्टमर डेटा था, उस डेटा में तो नहीं लिखा हुआ था ना कि वो कौन सा कैटेगरी में है, ये तो मुझे डिसाइड करना है ना। वो हो गया अनसुपरवाइज। आप समझ में आए? ठीक है, तो डेटा अगर लेबल्ड है, सब पता है, सुपरवाइज नहीं पता है, जैसे क्लस्टर करना है, रेकमेंड करना है। अब मुझे पता है कि भाई एक बंदा है वो हॉरर मूवीज बहुत देखता है, तो जब कोई मुझे अगर उसको सलाह देनी हो, मैं मान लो मैं एक बिग सिनेमा का मालिक हूँ और मुझे सबको है ना मेल भेजना है मेल कि नए मूवीज रिलीज हुए, तो मेरे जैसे बंदों को जो हॉरर मूवीज देखता है, भाई कोई कोई साईफाई मूवीज का मेल भेजेगा तो मैं तो नहीं जाऊंगा उसके पास। तो वो मुझे क्लस्टर करेगा कि भाई ये हॉरर वाला बंदा है, इसको वो मेल भेजू जिसमें हॉरर मूवी का रिलीज डेट लिखा हो, तभी ये मेरे थिएटर में आएगा। मार्केटिंग पूरा चेंज हो गया। कैसे? जब आपने अपने कस्टमर्स को रेकमेंडेशन अलग किया, क्लस्टरिंग अलग किया, वो सब आता है अनसुपरवाइज लर्निंग। ये काम आपका मॉडल ही करके देगा, आपको नहीं करना है।
अलग अलग कैटेगरीज बनाने का काम मॉडल का है, बट ये टाइप समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्लैरिटी है? और रीइंफोर्समेंट लर्निंग एक टाइप है जिसमें हम फीडबैक ऐड कर देते हैं। फीडबैक मतलब जैसे आपने टेस्ला का सेल्फ ड्राइविंग कार देखा है, उसमें आपको फीडबैक है, वो फीडबैक लेना जरूरी है। मान लो गाड़ी ने कुछ गलत टर्न किया तो आपको बताना पड़ेगा ना कि गाड़ी ने तुमने ये गलत टर्न दिया, तो नेक्स्ट टाइम से ऐसा मत कर। फिर वो फीडबैक वो वापस अपने मॉडल में लेगा और नया इंप्रूव करके देगा आपको। इसको बोलते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइजर अनसुपरवाइज में फीडबैक नहीं लेता, जो डेटा मिला उस पर ट्रेन हुआ फाइनल। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में आपको डेटा बार बार मिलेगा, आप अपनी गलतियों से सीखते जाओ। ये है एमएल मॉडल के तीन टाइप्स। मेजर ऑफ द टाइम आपको इससे ही डील करना है। आजकल ये ट्रेंड में जा रहा है, इससे ना बहुत कम डील करना होता है आपको, बट पता होना चाहिए। करेंगे भी हम लोग अनसुपरवाइज के भी प्रोजेक्ट्स करेंगे। अच्छा एक चीज और यहां तक समझा दो, एक फाइनल थोड़ा 5 मिनट और बता दो आपको, यहां तक क्लियर? चलो एक चीज और बता देता हूं आपको, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एक चीज होती है। बोलो रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट आजकल एक अच्छे से लिख देता हूं, रीइंफोर्समेंट इन फोर्स लर्निंग। कंसेप्ट यह है कि इसमें फीडबैक होता है, इसमें एक फीडबैक लूप होता है, ठीक है। चलो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में आ जाते हैं। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मतलब आपका डेटा है, मान लो उसमें क्या है 100 रोज, ठीक है 100 रोज। इस डेटा में क्या है 100 रोज है और 15 कॉलम्स है। यहां तक क्लैरिटी है? डेटा दिया है 100 रोज और 15 कॉलम्स है, इसमें आपके पास 14 फीचर इनपुट फीचर है और एक आउटपुट फीचर है, लेबल डेटा है। मान लेता हूं सुपरवाइज लर्निंग पे काम चल रहा है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वही होगा, हाँ या ना। 14 फीचर आपके इनपुट है, एक आउटपुट है, जैसे ये सर्वाइव क्लास हो गया, ठीक है ये सर्वाइव क्लास हो गया और ये बाकी के क्लास होकर, और 100 रोज है। अब आपने एक मॉडल बना लिया, एक मैथ, एक एल्गोरिदम बना दिया, इस एल्गोरिदम को आपको इनपुट देना है। अब ये इनपुट वो 14 इनपुट कॉलम्स होंगे, हाँ ना। तब ये एक आउटपुट बताएगा कि वो बंदा सरवाइव करने वाला है कि नहीं, 1 या 0। पर यहां तक पहुंचने के लिए मॉडल को ट्रेन करना पड़ा था हमें, मॉडल को क्या करना पड़ा था, ट्रेन करना पड़ा था। वो ट्रेन कैसे करोगे? हम इस डेटा को ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में दो भाग में स्प्लिट कर देंगे, एक्चुअली 4, मोटा मोटा समझो 2 पार्ट में स्प्लिट कर देंगे। मतलब मैं बोलता हूं कि मेरे डेटा में 100 रोज 15 कॉलम्स है, 80% ऑफ द डेटा मैं ट्रेनिंग को दूंगा, 80% ऑफ द डेटा ट्रेनिंग को दूंगा, मतलब 80 रोज 15 कॉलम्स मैं ट्रेनिंग को दूंगा, और टेस्टिंग के लिए मैं अपने पास 20 रोज और 15 कॉलम रखूंगा। क्या यहां पे कोई डाउट? ट्रेनिंग डेटा मतलब ये वो डेटा है जो मैं एमएल मॉडल को दिखाऊंगा, सीन डेटा जिसपे मेरा मॉडल ट्रेन हुआ है इस 80 रोज पे, और ये अनसीन डेटा है, मॉडल को इसकी कोई भी झलक नहीं है। जब मेरा मॉडल ट्रेन हो जाएगा, ये जब मॉडल ट्रेन होगा उसके बाद जो मैं इनपुट दे रहा हूं
वो मेरे टेस्टिंग डेटा में से आ रहा है, क्या क्लैरिटी है? क्लैरिटी है हाँ या ना? हाँ ठीक है, हाँ बोलो, समझा क्या? ओके, अब समझा ट्रेनिंग डेटा होगा टेस्ट, और इसमें भी अब सुनो, ट्रेनिंग 80%। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ट्रेनिंग ज्यादा होना चाहिए या टेस्टिंग डेटा ज्यादा होना चाहिए? सब अग्री कर रहे हैं भाई, ज्यादा ट्रेन करोगे तभी तो अच्छे से सीख पाएगा। क्या हमारे ब्रेन बच्चे को भी यही सिखाते हैं ना? बच्चे को हम क्या करते हैं, दिखाते बोलते हैं ये पेड़ है, दूसरा पेड़ दिखाते बोलते हैं ये पेड़ है, तीसरा पेड़ दिखाते बोलते हैं ये पेड़ है, ये पेड़ है, तो जब वो रोड पे जाता है वो पेड़ देखते हैं तो क्या बोलते हैं ये पेड़ है। क्या ये ब्रेन भी हमारा इसी तरह से ट्रेन हो रहा है? बचपन में हमारे पेरेंट्स हमको एक सीन डेटा देते हैं, एक ट्रेनिंग देते हैं कि ये है ये वो है, और बाद में जाके हम खुद से उसको पहचानने लगते हैं। ह्यूमन ब्रेन में भी यही होता है। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, वापस आ जाते हैं। ये सब जो ज्यादा ट्रेनिंग के लिए निकाल गया डेटा, थोड़ा सा हम लोग ने अनसीन छोड़ दिया टेस्टिंग के लिए। इसमें से एक एक्स ट्रेन बनाएंगे और एक वाई ट्रेन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक्स ट्रेन बनाएंगे और एक वाई। एक्स मतलब इनपुट, एक्स मतलब इनपुट, और वाई मतलब आउटपुट। मतलब इनपुट कितना है? 14 कॉलम्स है। इनपुट कितना है? 14 कॉलम्स, और टोटल 80 रोज है अपने पास। और वाई को 80 रोज दूंगा मैं, 80 रोज दूंगा मैं 1 कॉलम। समझ में आया मैंने क्या किया? तो अभी अगर आप देखो तो पहले 100 रोज का 80 रोज हुआ और 15 का 15 कॉलम आया। अब 80 रोज का 80 रोज ही है, अब 15 को मैंने 14 और 1 में स्प्लिट कर दिया। ये टेस्टिंग डेटा में मैं एक एक्स टेस्ट निकालूंगा और एक वाई टेस्ट निकालूंगा। इसके पास 20 रोज और कितने कॉलम होने चाहिए बताओ जरा। फोर्टी, क्योंकि नहीं, फोर्ट एक्स एक्स इनपुट, एक्स क्या है अपना? इनपुट, एक्स इनपुट है ना। और वाई टेस्ट के पास क्या, वाई टेस्ट के पास 20 रोज और एक कॉलम होना चाहिए। ठीक है, सबको सब हेलो, सब सुनना ध्यान से, यहां पे क्लैरिटी नहीं है तो पूछो। अगर आप बोलोगे नहीं तो मेरे को समझेगा, अगर आप नहीं बोलो तो मैं अज्यूम करता हूं कि आपको डाउट है। ओके ओके, थैंक यू। अभी देखो, मतलब मेरा जो मॉडल है मेरे को उसको एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन में फिट करना है, तो ट्रेनिंग डेटा मिल गया, और उसको एक्स टेस्ट दूंगा तो वो कुछ प्रेडिक्ट करेगा, उसको जब वाई टेस्ट से मैच करूंगा तब एक्यूरेसी निकलेगा मॉडल का। ट्रेनिंग प्रोसीजर समझा, ट्रेनिंग प्रोसीजर है ना, अब है ट्रेनिंग प्रोसीजर। ये सब है ना, ये चीजें जो मैं बाद में नहीं कवर करना चाहता, अभी एक बार हो जाए तो अपन से कोड करेंगे बाद।
ट्रेनिंग प्रोसीजर क्या है, मॉडल दिया, ठीक है, मॉडल को अभी हम लोग फर्स्ट क्या करते हैं, फिट विथ ट्रेनिंग डेटा, फिट विथ ट्रेनिंग डेटा। तो ट्रेन कौन सा, एक्स ट्रेन लेंगे और वाई ट्रेन लेंगे, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन लेंगे, इसको हमने फिट कर दिया, इसको क्या कर दिया, फिट कर दिया। नाउ मॉडल इज ट्रेन्ड, अब आउटपुट क्या आएगा, एक ट्रेन्ड मॉडल, मॉडल इज ट्रेन्ड। दूसरा अपने को क्या काम करना है, गिव दी एक्स टेस्ट डेटा, ये अनसीन डेटा है, ये कंप्लीटली अनसीन डेटा है। मॉडल का ट्रेनिंग अब खत्म हो चुका है, अब प्रिडिक्शन की बारी, ठीक है, ट्रेनिंग डन, यहाँ पे हो गया ट्रेनिंग डन। अब टेस्टिंग, टेस्टिंग फेज, ये टेस्टिंग फेज, एक्स टेस्ट दिया, गिव दी एक्स टेस्ट डेटा, ठीक है, एक्स टेस्ट दिया, इसको ट्रेन मॉडल को, इसको दिया ट्रेन मॉडल को, जैसे ही मैंने एक्स टेस्ट दिया उसने एक प्रिडिक्शन मेरे को, जिसको मैं बोलता हूँ वाई कैप, उसने क्या दिया, प्रिडिक्शन दिया, ठीक है, टेस्टिंग हो गया। अब इवैल्यूएटिंग द मॉडल, इवैल्यूएटिंग फेज, वाई कैप, मैंने वाई टेस्ट लिया, क्या लिया, वाई टेस्ट, और कंपेयर किया वाई डैश से, मेरे को समझो जरा, समझो जरा, वाई टेस्ट डेटा में ऑलरेडी था, आपने निकाल के रख लिया था बाद में टेस्टिंग करने के लिए, और वाई क्या है, वो खुद से प्रिडिक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों जितना सेम होंगे एक्यूरेसी उतनी अच्छी होगी। हाँ, तो ये हो गया इवैल्यूएटिंग फेज। क्या ये इसका जरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लो या नोट डाउन करो, कुछ भी करो, ये रख लो आपके पास, ये पूरा ट्रेनिंग प्रोसीजर। इसके पहले आता है ट्रेन टेस्ट, अगर आप नोट करते जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो वीडियो आज शाम तक आ जाएगा, वापस से एक बार देख के नोट कर लेना, सब इंपॉर्टेंट थियोरी है, ये काम आएगी शुरू से, फ्यूचर इंजीनियरिंग के टाइप्स, उसके अंदर क्या क्या चीजें थी, उसके बाद ट्रेन टेस्ट प्लेट क्या होता है, ट्रेनिंग प्रोसीजर क्या होता है। अगर यहां तक क्लैरिटी है, अब आप कोड करने के लिए पूरा रेडी हो, चाहे वो एमएल मॉडल कोड करना हो, चाहे वो फ्यूचर इंजीनियरिंग। ओके, आज 1 ही घंटे का सेशन था तो इतना ही हो पाएगा, और लास्ट लास्ट तक 15 लोग आ गए हैं। यस, विकास यादव एस सर, BSc IIT। ओके, खैर मेरे को ये आपका इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, आपका आपसे क्लास का, हाँ बट नाम चाहिए, तो मैं जरा सा रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।